अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस तीनों चाहते जाना और तीनों पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की। पाकिस्तान में अक्सर वॉर होते ही रहते हैं, फिर वो चाहे बंटवारे को लेकर हो, किसी धरोहर को लेकर हो या बॉर्डर पर कोई हलचल होने से हो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच LOC की स्थिति पूरी तरह से क्लियर है, यहाँ तक कि दोनों देशों के साइन, तारों की फेंसिंग और उनकी पोजीशंस साफ साफ दिखाई देती है। जबकि चाइना के साथ लगी LSE पर कई जगह ना तो तारों की फेंसिंग है और ना ही किसी तरह का कोई साइन बोर्ड, और इसी तरह कुछ जगह पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं और उन दोनों देशों ने इस तरह 22 जगह को मार्क करके रख लिया है, जिसे एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन कहा जाता है। LOC के बगल में पश्चिम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मिडिल हिस्सा, सिक्किम और ईस्ट अरुणाचल में 23 इलाके एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में आते हैं। इन इलाकों में दोनों ही देश एक दूसरे की सेनाओं को अपने अपने दावे वाली सीमा पर पेट्रोलिंग करने की इजाजत देते रहे हैं। कभी कभी मेजर जनरल लेवल की भी मीटिंग्स वहां होती है, इसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर ही बातचीत की जाती है और यही कारण है कि जब जब सीमा पर कोई भी मुश्किलें आती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी उसी मीटिंग में हो जाता है। दोनों ही देशों की आर्मी LSE पर पेट्रोलिंग के दौरान पहले से कुछ फिक्स उपायों का पालन करती है, उसके बाद और भी कई ऐसे टॉपिक्स पर डिसीजन करती है जिन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है। और तो और अलग अलग दावों वाले 23 इलाकों में इनका खास तौर पर ध्यान भी रखा जाता है। 6 जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग के दौरान लद्दाख के इन तीनों इलाकों में तनाव कम करने पर रजामंदी हो गई थी। इसके तहत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे दोनों सेनाओं के पीछे हटने से लेकर हर तरह के तनाव कम किए जाने थे और ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है। इस प्रोसेस की प्रोग्रेस चेक करने के दौरान ही 15 जून की रात को लड़ाई हो जाती है और दोनों ओर से कई सैनिक मारे जाते हैं। इंडियन सेना पहाड़ियों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड, अनुभवी और कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। सेना पूरी तरह तैयार थी और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम भी थी और आज तक है भी। आर्मी हमेशा बुरे से बुरे सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी योजना बनाकर रखती है, जबकि उसकी उम्मीद उसके साथ हमेशा रहती है। हालांकि कुछ और भी फैक्टर है जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और जैसे अगर लड़ाई होती है तो इसके एक बड़े ऑपरेशन में बदलने के चांसेस रहेंगे और फिर ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, इसका दायरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में हाई लेवल मीटिंग में ही ये फाइनल होगा कि देश के फायदे में सेना किस रेंज तक एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है फिल्म गदर 2 में। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।